हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू योर ओन चैनल डेली कम्युनिटी। सो इस वीडियो के अंदर हम यहाँ पर बात करने वाले हैं करोड़ के जो फ्यूचर्स हैं वो यहाँ पर करंटली जो है किस तरह से ट्रेड कर रहे हैं और यहाँ पर हम जो है किस तरह प्राइस मोमेंटम एक्सपेक्ट कर सकते हैं करोड़ के फ्यूचर्स के अंदर, तो सब चीज़ों के बारे में बात करने वाले हैं इस वीडियो में। सो चलिए शुरुआत करते हैं। तो यहाँ पर सबसे पहले प्राइस मोमेंटम को अगर यहाँ पर ध्यान से देखते हैं तो वीकली बेसिस के हिसाब से यहाँ पर एक जो काफ़ी क्लियर पिक्चर देखने को मिल रहा है वो ये है कि यहाँ पर 6790 के आसपास एक बहुत ही ज़्यादा जो है स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस लेवल जो यहाँ पर हमें फॉर्म होते हुए देखने मिल रहा है। एंड डाउनसाइड के अंदर हम यहाँ पर सपोर्ट लेवल की बात करते हैं। सो फर्स्ट सपोर्ट लेवल इज़ एट अराउंड 5927 एंड सेकंड सपोर्ट लेवल जो है यहाँ पर हमें 5420 के अराउंड जो यहाँ पर हमें फॉलोअप होते हुए देखने को मिल रहे हैं। बिलो दैट प्राइस लेवल यहाँ पर जो है क्लोजिंग होती है तो काफ़ी ज़्यादा जो है नेगेटिव सेंटीमेंट यहाँ पर हमें अप्रोच पॉइंट ऑफ व्यू के हिसाब से देखने को मिल सकता है। सो फॉर अ टाइमिंग हम यहाँ पर जो है इन तीन लेवल्स के बारे में डिस्कशन करेंगे। वीकली बेसिस के हिसाब से डेफिनेटली यहाँ पर जो क्लोजिंग हुई है इस वीक के दौरान वो काफ़ी ज़्यादा जो है एक तरह से देखें तो अच्छी हुई है कंपेयर टू प्रीवियस वीक। एक अच्छा ऐसा जो है पॉजिटिव सेंटीमेंट जो यहाँ पर हमें डाउन साइड से जो है यहाँ पर हमें अपसाइड के अंदर आते हुए देखने को मिला है। सो लेट्स सी कि यहाँ पर हमें जो है ये जो चीज़ है वो कंटिन्यूस बेसिस पर देखने को मिलती है या फिर नहीं। और यहाँ पर वीकली बेसिस के हिसाब से अगर मैं पॉजिटिविटी की बात करूँ तो 6090 के प्राइस बैंड के ऊपर यहाँ पर डेली बेसिस के हिसाब से अगर किस दौरान जो है यहाँ पर हमें क्लोजिंग देखने को मिलती है तो एक अच्छा ऐसा जो है हम पॉजिटिव सेंटीमेंट फॉर ए इंट्राडे पर्पज़ के हिसाब से भी जो है एक अच्छा ऐसा सेंटीमेंट एक बुलिश व्यू के लिए भी जो है हम यहाँ पर जो है ट्रेड को जो है कैरी ऑन कर सकते हैं के फ्यूचर्स के अंदर स्पेसिफिकली अगर मैं यहाँ पर बात करूँ तो। एंड डाउनसाइड के अंदर जिस तरह से मैंने आपको बताया कि 5420 के प्राइस बैंड के नीचे अगर यहाँ पर कैंडल्स आती है ट्रेड करना स्टार्ट करती है देन ओनली वी कैन थिंक अबाउट टेकिंग अ गुड शॉर्ट पोजीशन इन क्रूड ऑयल फ्यूचर्स। हालांकि यहाँ पर मोमेंटम बेसिस के हिसाब से देखते हैं तो अप्रोचेबल है कि यहाँ पर हमें जो है थोड़ी बहुत जो है यहाँ पर हमें तेज़ी अपसाइड के अंदर देखने को मिल सकती है। हालांकि ट्रेड पॉइंट ऑफ व्यू के हिसाब से जिस तरह से मैंने आपको प्राइस लेवल बताया अकॉर्डिंगली वी हैव टू थिंक कि यहाँ पर अगर ब्रेकआउट देखने को मिलता है देन ओनली वी कैन थिंक अबाउट टेकिंग अ लॉन्ग एज वेल शॉर्ट पोजीशन इन क्रूड ऑयल फ्यूचर्स। सो होप करता हूँ कि वीडियो आपके लिए इन्फॉर्मेटिव रही होगी और ट्रेडिंग पॉइंट ऑफ व्यू के हिसाब से मदद कर रही होगी। वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक शेयर और माय चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। थैंक यू।